राम राम जी क्या हाल है तू तो भाई महाराज जो को चलो पूछ रहा है कमाल जी यार कमाल से बोलो क्या हां का क्या है बड़ी ही उत्साहजनक बात है कि आज मैं पहली बार देख रहा हूं जितनी भी हमारी बैठकें होती थी इतनी संख्या में हमारे सरपंच महोदय पहुंचे हैं। 18 सरपंच अभी हमारे पास पहुंच चुके हैं। एक सरपंच भी बहुत है। एक सरपंच तो है ही है, एक सरपंच दूसरे भी सारे हैं, बाकी कुछ प्रतिनिधि भी हैं जिसके नाम भी करते अच्छा जिससे चेयरमैन भी हमारी मार्केट कमेटी है काम वाम से सब फ्री होकर के वो आए हैं। उन्होंने नाम दिए थे तो उनके नाम थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कुछ और भाई तो ये संघर्ष समिति में पहले है लिखा है बाबा मुक्तेश्वरी मठ आदर्श कमेटी के प्रधान एवं कार्यकारिणी के सभी सदस्य। और इसीलिए ये किस कमेटी का भी हमें बहुत ही कमेटी बहुत मदद मिलेगी, बहुत ही ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। तो बाबा मुक्तेश्वरी मठ आदर्श कमेटी के प्रधान एवं सहायक कार्यकारिणी के सदस्य ये क्या कहेंगे, किस तरह से रोका जा सकता है? आज कोसली में इस इलाके के गणमान्य लोगों की जो महापंचायत हुई उसमें आकर मैंने यही कहा कि ये सरकार का मामला है और समाज का मामला है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि FIR को दर्ज करने में जिस से कोताही हुई है उन्हें सस्पेंड किया जाए, ट्रांसफ़र सिर्फ नहीं, तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, समाज को भी जिम्मेवारी लेनी है। हमारे यहाँ जो शराब के ठेकों का प्रचलन है, जब तक ये शराब के ठेके और अब तो सुल्फा गांजा भी आया है यहाँ पे, इन पे नियंत्रण नहीं होगा तो अपराध नहीं रुकेगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि 30 सितंबर से पहले पहले अगर हर गांव में पंचायत ये प्रस्ताव पारित कर दे कि हम शराब के ठेकों को हटाना चाहते हैं तो वो हमारी बेटी के लिए सबसे सुंदर सौगात होगी। और साथ ही अगर शिकार हमारी बेटी है तो शिकार करने वाले भी हमारे समाज के लड़के हैं। लड़कों का संस्कार बदलना, औरत को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ना समझना, जब तक इसके संस्कार हम नहीं बदलेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये शर्मनाक घटना इस इलाके में एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सके। बहिष्कार होना चाहिए ऐसे परिवारों का, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, संस्कार तो परिवार ने दिए। मेरी अपील है कि समाज के कुछ लोग, औरत आदमी मिलके इन एक एक आरोपियों के घर में जाएं, इनकी माँ से बात करें, इनकी बहनों से बात करें, दोष उनका नहीं है। लेकिन जब तक इन अपराधियों को ये नहीं समझ आता कि मेरा परिवार, मेरा खानदान सबका मुंह काला होगा, तब तक खाली पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नहीं रुकेंगे। अगर हमें ऐसी घटना को होने से रोकना है तो हमें परिवार को शर्मिंदा करना होगा, संस्कार बदलने होंगे समाज में, और शराब और दूसरे नशे जो हो रहे हैं इनको बदलना होगा, इसके सिवा काम नहीं बनेगा। हंसराज एक सरपंच जाहिदपुर, आज की महापंचायत का जनसंघर्ष कमेटी का अध्यक्ष, कि ये 51 गाँव की जो महापंचायत हुई है बड़ी दुख की बात है। इतने 8 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गए, उस बेटी को अभी तक जो भी अपराधी थे वो गिरफ्तार नहीं हुए, और हम उसी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आगे भविष्य में भी कोई ऐसी अप्रिय घटना किसी बेटी के साथ या किसी सामाजिक आदमी के साथ न हो। हम जो जनसंघर्ष कमेटी बनाई है उसके हम सारे इकट्ठे होकर के अपने प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाएंगे। अब लोगों को बहुत भारी रोष है,
हर गांव-गांव के अंदर इस बेटी के लिए आवाज़ उठ रही है, हर परिवार से उठ रही है। हमारा कोसली इलाका बड़ा शांत प्रिय था और हमारा हरियाणा में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन ये एक कांड ऐसा हुआ जिसके अंदर पुलिस अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बोलिए। अच्छा ये बताइए, क्या फैसला लिया गया, क्या जो आरोपी है उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया अभी पंचायत में? नहीं, इस पंचायत में अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। जो संघर्ष कमेटी बनी है वो फैसला लेगी तो उसका हम आगे आपको अवगत करा देंगे। क्या भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसके लिए कमेटी काम करेगी? उसके लिए कमेटी काम करेगी, भविष्य में कोई ऐसी घटना आगे न घटे और सभी को गांव गांव जाकर के इसको जागरूक करेगी। ज्ञापन भी दिया जाएगा? नहीं, आज ज्ञापन नहीं दिया जाए, हमने दो बार ज्ञापन दे दिया 17 और 19 तारीख को। क्या रहेगा आगे ग्रुप? आगे के ग्रुप में एक्शन कमेटी, जो भी जनसंघर्ष कमेटी बनेगी वो रेवाड़ी जाकर ना, जैसे निर्धारित 1 तारीख करी है 1 अक्टूबर को, उनके साथ हम मिलकर काम करें।